जी पर शक करने में अपनी गलती को तस्लीम किया। उसने माफ़ी मांगी और उन्हें एक जज्बाती के लिए मिलने के तबादला किया। इनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। दूसरी तरफ राजू ने इंसाफ का सामना कर दिया, इसका राज बेनकाब हुए और इसकी साख बर्बाद हो गई। विजय और माधु जी की मोहब्बत की कहानी एक अफसाना बन गई। सच्ची मोहब्बत की बुराई पर पता की एक मिसाल उन्होंने साबित किया। हत्ता के सबसे तारीख वक्तों में भी मोहब्बत सब पर गालिब आ सकती है और कभी कभी इसके लिए लड़ना ज़रूरी होता है। तो व्यूअर, इस फिल्म के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, विजय एक कामयाब कारोबारी शख्सियत था जिसके पास दौलत शोहरत और एक पलता पुलता हुआ कारोबार था, लेकिन कुछ कमी थी मोहब्बत। ये तब तक था जब तक वो माधु जी से नहीं मिला, जो एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी जो मुकामी खैराती इदारे में काम करती थी। इनकी मुलाकात एक फंड रेजिंग तकरीब में हुई और विजय को फौरन मोहब्बत हो गई। माधु जी ने भी विजय के साथ एक पूरी ताल्लुक़ महसूस किया। जब उन्होंने बात की तो माधु जी विजय के दिलकश मुस्कराहट और खलूस से मुतासिर हुई, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी उभरती हुई मोहब्बत जल्द ही एक तारीख कुव्वत की तरफ से ख़तरे में पड़ जाएगी। राजू जो विजय के एक ताकतवर और बेरहम हरीब था, राजू विजय के साख को बर्बाद करने और इसके कारोबारी सुल्तनत को खुद के लिए हासिल करने के लिए कोशिश में था। इसने विजय के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए अफवाहें और झूठ पिलाना शुरू किया। माधु जी राजू के हकीकी इरादों से बेखबर विजय के नियतों पर शक करने लगी। जब विजय और माधु जी के ताल्लुकात गहरे हो गए तो गुमनाम दम किया और पुलिसार पैगामात शिद्दत इख्तियार कर गए। विजय को माधु जी से दूर रहने की वार्निंग्स मिले, लेकिन इसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। माधु जी की हिफाजत के लिए पुरअज़म इसने एक जासूस की खिदमत हासिल की ताकि स्टेकर की शनाख्त का पता लग सके। दरियासना राजू का माधु जी के साथ जुनून मजबूत हो गया। इसने माधु जी का पीछा करना शुरू कर दिया। इसकी हर हरकत का मुशाहदा करते हुए और हमला करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। माधु जी ख़तरे का एहसास करते हुए विजय से एतमाद में ली, लेकिन इसने इसे यकीन दिलाया और हिफाजत का वादा किया। एक मनहूस रात राजू ने अपना हमला किया। इसने माधु जी को अगवा कर लिया और विजय के लिए एक खुफिया पैगाम छोड़ दिया, तुम उसे दोबारा कभी नहीं देखोगे। ये पैगाम विजय के लिए तबाहाल था, लेकिन इसने हार मानने से इनकार कर दिया। जासूस की मदद से इसने राजू का मुकाम का पता लगाया और माधु जी को बचाने के लिए एक मंसूबा भी बनाया। एक दिल धड़काने वाले क्लाइमेक्स में विजय ने राजू का सामना किया, जिसने अपनी हकीकी मुहर्रिकात का इंकशाफ किया। माधु जी के लिए एक मुड़ी हुई मोहब्बत जो जुनून में बदल चुकी थी। विजय बहादुरी से लड़ा और जासूस की मदद से उन्होंने राजू को काबू कर लिया और माधु जी को आज़ाद करवा लिया। जब हकीकत सामने आई तो माधु जी ने विजय पर शक करने में अपनी गलती को तस्लीम किया। उसने माफ़ी मांगी और उन्हें एक जज्बाती के लिए मिलने के तबादला किया। इनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई। दूसरी तरफ राजू ने इंसाफ का सामना कर दिया, इसका राज बेनकाब हुए और इसकी साख बर्बाद हो गई। विजय और माधु जी की मोहब्बत की कहानी एक अफसाना बन गई। सच्ची मोहब्बत की बुराई पर पता की एक मिसाल उन्होंने साबित किया। हत्ता के सबसे तारीख वक्तों में भी मोहब्बत सब पर गालिब आ सकती है और कभी कभी इसके लिए लड़ना ज़रूरी होता है। तो व्यूअर, इस फिल्म के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, विजय एक कामयाब कारोबारी शख्सियत था जिसके पास दौलत शोहरत और एक पलता पुलता हुआ कारोबार था, लेकिन कुछ कमी थी मोहब्बत। ये तब तक था जब तक वो माधु जी से नहीं मिला, जो एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी जो मुकामी खैराती इदारे में काम करती थी। इनकी मुलाकात एक फंड रेजिंग तकरीब में हुई और विजय
को फौरन मोहब्बत हो गई। माधु जी ने भी विजय के साथ एक पूरी ताल्लुक महसूस किया। जब उन्होंने बात की तो माधु जी विजय के दिलकश मुस्कराहट और खलूस से मुतासिर हुई, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी उभरती हुई मोहब्बत जल्द ही एक तारीख कुव्वत की तरफ से ख़तरे में पड़ जाएगी। राजू जो विजय के एक ताकतवर और बेरहम हरीब था, राजू विजय के साग को बर्बाद करने और इसके कारोबारी सुल्तनत को खुद के लिए हासिल करने के लिए कोशिश में था। इसने विजय के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए अफवाहें और झूठ पिलाना शुरू किया। माधु जी राजू के हकीकी इरादों से बेखबर विजय के नियतों पर शक करने लगी। जब विजय और माधु जी के ताल्लुकात गहरे हो गए तो गुमनाम दम किया और पुलिसार पैगामात शिद्दत इख्तियार कर गए। विजय को माधु जी से दूर रहने के वार्निंग्स मिले, लेकिन इसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। माधु जी की हिफाजत के लिए पुरअज़म इसने एक जासूस की खिदमत हासिल की ताकि स्टेगर की शनाख्त का पता लग सके। दरियासना राजू का माधु जी के साथ जुनून मजबूत हो गया। इसने माधु जी का पीछा करना शुरू कर दिया। इसकी हर हरकत का मुशाहदा करते हुए और हमला करने के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। माधु जी ख़तरे का एहसास करते हुए विजय से एतमाद में ली, लेकिन इसने इसे यकीन दिलाया और हिफाजत का वादा किया। एक मनहूस रात राजू ने अपना हमला किया। इसने माधु जी को अगवा कर लिया और विजय के लिए एक खुफिया पैगाम छोड़ दिया, तुम उसे दोबारा कभी नहीं देखोगे। ये पैगाम विजय के लिए तबाहाल था, लेकिन इसने हार मानने से इनकार कर दिया। जासूस की मदद से इसने राजू का मुकाम का पता लगाया और माधु जी को बचाने के लिए एक मंसूबा भी बनाया। एक दिल धड़काने वाले क्लाइमेक्स में विजय ने राजू का सामना किया, जिसने अपनी हकीकी मुहर्रिकात का इंकशाफ किया। माधु जी के लिए एक मुड़ी हुई मोहब्बत जो जुनून में बदल चुकी थी। विजय बहादुरी से लड़ा और जासूस की मदद से उन्होंने राजू को काबू कर लिया और माधु जी को आज़ाद करवा लिया। जब हकीकत सामने आई तो माधु जी ने विजय पर शक करने में अपनी गलती को तस्लीम किया। उसने माफ़ी मांगी और उन्हें एक जज्बाती गले मिलने के तबादला किया। इनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। दूसरी तरफ राजू ने इंसाफ का सामना कर दिया। इसका राज बेनकाब हुए और इसकी साख बर्बाद होगी। विजय और माधु जी की मोहब्बत की कहानी एक अफसाना बन गई। सच्ची मोहब्बत की बुराई पर पता की एक मिसाल उन्होंने साबित किया। हत्ता के सबसे तारीख वक्तों में भी मोहब्बत सब पर गालिब आ सकती है और कभी कभी इसके लिए लड़ना ज़रूरी होता है। तो व्यूअर, इस फिल्म के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, विजय एक कामयाब कारोबारी शख्सियत था जिसके पास दौलत शहरत और एक पलता पुलता हुआ कारोबार था, लेकिन कुछ कमी थी मोहब्बत। ये तब तक था जब तक वो माधु जी से नहीं मिला, जो एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी जो मुकामी खैराती इदारे में काम करती थी। इनकी मुलाकात एक फंड रेजिंग तकरीब में हुई और विजय को फौरन मोहब्बत हो गई। माधु जी ने भी विजय के साथ एक पूरी ताल्लुक महसूस किया। जब उन्होंने बात की तो माधु जी विजय के दिलकश मुस्कराहट और खलूस से मुतासिर हुई, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी उभरती हुई मोहब्बत जल्द ही एक तारीख कुव्वत की तरफ से ख़तरे में पड़ जाएगी। राजू जो विजय के एक ताकतवर और बेरहम हरीब था, राजू विजय के साग को बर्बाद करने और इसके कारोबारी सुल्तनत को खुद के लिए हासिल करने के लिए कोशिश में था। इसने विजय के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए अफवाहें और झूठ पिलाना शुरू किया। माधु जी राजू के हकीकी इरादों से बेखबर विजय के नियतों पर शक करने लगी। जब विजय और माधु जी के ताल्लुकात गहरे हो गए